हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं जर्नल एंट्री के बारे में। जैसे पिछले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन किया है, रिकॉर्ड किया है, वो आज के क्लास में भी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जानेंगे। तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा समझिए। कह रहा परचेज मशीनरी। मान लो हमने व्यापार को स्टार्ट करने, व्यापार का मालिक, ठीक है, 6 लाख लो लगा दिया। इस बार तो कैश दिया नहीं है, बैंक में ही पैसा आया है, बोलो। तो अब इसी से तो सामान वामान खरीदेंगे जी। बोला गया कि परचेज मशीनरी। हम मशीनरी खरीद रहे हैं, राम साम मशीन टूल, अमाउंट ₹1 लाख, बाई पेइंग चेक, चेक नंबर दिया है ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। मतलब मेरा जो व्यापार है वह क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है। कितने का? 1 लाख रुपए का। पेमेंट किससे किया है? चेक से। तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो मैंने बोला था जब भी कोई एसेट्स खरीदेंगे तो उस एसेट्स का नाम लिखेंगे, बोलो। तो कौन सा अकाउंट बनेगा? जी मशीनरी का बनेगा। और आप बताओ ये कौन सा अकाउंट है? रियल है। और जब खरीदेंगे तो व्यापार में आएगा, इसीलिए डेबिट कर देंगे। अब किससे खरीद रहे हैं? बैंक के थ्रू, ठीक है, खरीद रहे हैं साम मशीन टूल से। लेकिन किसे, किसके थ्रू, कैश या बैंक? बैंक। तो बैंक का नाम लिखा है साफ साफ। जब नाम लिखा है तो आप लोग कंजूसी ना करो लिखने में। क्या लिख रहे गए? जी आई सी आई सी आई बैंक, ठीक है। और जब बैंक का नाम दे तो बैंक का नाम लिखिए, केवल बैंक अकाउंट मत बनाइए। और ये पर्सनल अकाउंट है और पैसा देने वाला इसीलिए होगा क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट हो जाएगा। चलो सेम वैसा ही है जो तीसरा हमने बताया है ना, सेम वैसा चौथा भी है। क्या कहा जा रहा है जी? परचेज फर्नीचर। इस बार मशीनरी खरीदा जा रहा था, इस बार फर्नीचर खरीदा जा रहा है। उस बार शाम से खरीदा जा रहा था, इस बार किसे? केपीएन फर्नीचर वाले से खरीदा जा रहा है। उस बार 1 लाख रुपए का खरीद रहे थे, इस बार 90 हजार रुपए का खरीद रहे हैं, बाई पेइंग चेक। लीजिए, इसे बुझाएंगे पहले तो कहां पता चलेगा, ठीक है। किससे पेमेंट किया जा रहा है? जी चेक से। तो जाहिर से पैसा इसी बैंक में, तो इसी बैंक से तो पेमेंट करेंगे हम लोग। तो सेम वही सलूशन रहेगा, बस जहां पे मशीनरी हो वहां पे क्या हो जाएगा? फर्नीचर, ठीक है, सिंपल सा है, कर लोगे? चलो हाँ, यह क्वेश्चन बहुत लोग गलती किए, यह वाला नीचे वाला मैक्सिमम लोग गलती किए, मैं चेक किया। और इतना इजी क्वेश्चन है, लिख लिए सलूशन जी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। चलो नेक्स्ट, अगला है गुड्स परचेज किया जा रहा है फ्रॉम किससे? लक्ष्मी ट्रेडर से। कितने रुपए का? 50 हजार। तो आप बताओ कहीं थार कैश लिखा है क्या? बोलो, नहीं लिखा, फिर भी मैक्सिमम लोग कैश बनाए हैं। अरे यार, मैंने कई बार बताया है कि जब नगद की बात न की जाए, ठीक है, तब आप कैश नहीं बनाओगे। हाँ, नाम नहीं है, केवल पैसा है तब नगद मानेंगे, और फार कैश है तब नगद मानेंगे। अगर नाम है और फार कैश नहीं लिखा तो हमेशा उधार ही मानते हैं, ठीक है। तो परचेज गुड्स राम लक्ष्मी ट्रेडर्स अमाउंटेड ₹50,000। मतलब गुड्स इस बार खरीदा जा रहा है लक्ष्मी ट्रेडर से, खरीदा जा रहा है 50 हजार का, खरीदा जा रहा है और फार कैश नहीं है तो उधार ही खरीदा जा रहा है, इसीलिए परचेज के अकाउंट बनेगा। और परचेज नॉमिनल अकाउंट है इसीलिए इसको डेबिट कर देंगे। और लक्ष्मी ट्रेडर्स या क्या है, रियल? पर्सनल पर्सनल अकाउंट या देने वाले, इसीलिए क्रेडिट कर देंगे, सिंपल है, बोलो। चलिए हाँ, यह सात वाला नंबर वाला क्वेश्चन लगभग सबका सही था, बताना पड़ेगा, सब बता दीजिए। चलो अगला देखो, सोल्ड गुड्स ऑन कैश अमाउंटेड ₹5,000,
टू गणेश इंटरप्राइजेस, मतलब इस बार गुड्स बेचा जा रहा है ऑन कैश ऑन नगद, कितने रुपए का? 5,000। किसको? जी आप बताओ, मैंने बोला था जब भी कोई गुड्स बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट बनता है? सेल्स का। तो सेल्स का बनेगा सेल्स अकाउंट, और सेल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और आप बताओ, नगद बेच रहे हैं उधार बेच रहे हैं? नगद। तो कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश का। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल है, डेबिट अकाउंट हमारे। चलो कैश अकाउंट। अब बताओ सेल करेंगे तो व्यापार में आएगा कि नहीं जाएगा? आएगा, इसीलिए डेबिट। और सेल इनकम इसीलिए क्रेडिट। सुनाया नहीं आ रहा है? अरे यार, सेल हमारा इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल कहता है जितने इनकम उनको क्रेडिट करो, कैश हमारा रियल है, अब व्यापार में आए तो उसको डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो, कैश आ रहा है 5,000 इसीलिए डेबिट कर दिया। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन लगभग कई लोग गलती किए हैं। 10वां नंबर, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखो क्या कहा जाए समझो, पहले परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किया जा रहा है फ्रॉम किसको, मतलब किससे किया जा रहा है? जी मिस्टर विवेक, ऑन कैश। ठीक है, अमाउंटेड रुपीज कितना? 2,000। फिर थोड़ा रुपीज 100 डिस्काउंट वाज रिसीव फ्रॉम मिस्टर विवेक फॉर द गुड्स परचेज ऑन कैश फॉर रुपी 2,000। मतलब टोटल जो हमने खरीदारी किया था, कितने का खरीदारी किया था? 2,000 रुपए का ही, उसी में से डिस्काउंट कितना रिसीव हो गया? 100 रुपया। तो आप बताओ, मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था, परचेज का अकाउंट बनेगा और डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव बनेगा, और पैसा दे रहे हैं तो कैश का बनेगा। तो परचेज कितने का किया? ये नॉमिनल है और एक्सपेंस है, इसीलिए इसको क्या करेंगे? डेबिट। कितने से? 2,000 से। बोलो, चलो डिस्काउंट कितना मिला है? नॉमिनल अकाउंट है और मिला है तो इनकम है, इसीलिए क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने से? 100 रुपए से। और व्यापार से कैश जा रहा है इसीलिए क्रेडिट करेंगे कितने से? 1,900 रुपए से। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 अप्रैल वाला। अब तो क्या किया जा रहा है? ठीक है, 24,000 टूवर्ड्स रेंट थ्रो, या थोड़ा सा गड़बड़ है, चेक नंबर दिया है ऑफ ICICI बैंक, मतलब इस बार पेमेंट कर रहे हैं कितना रुपया? 24,000। ठीक है, किसके लिए? हाँ, किससे कर रहे हैं? चेक से। चेक नंबर भी दिया है आपको, तो यह चेक नंबर कहाँ मेंशन करेंगे? आगे जब मैं टैली पाऊंगा तो सब मेंशन करेंगे। ठीक है, और किस बैंक का चेक है? तो जाहिर सी बात है, रेंट दे रहे हैं तो कौन सा अकाउंट बनेगा? रेंट का। और रेंट हमारे व्यापार के लिए क्या है? खर्च है, इसीलिए नॉमिनल में जाएगा, और इसीलिए इसको क्या करेंगे? डेबिट। और पेमेंट किससे कर रहे हैं? जी ICICI बैंक से, और इसीलिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। हाँ, यह क्वेश्चन कई लोग अभी बना तो लिए लेकिन अभी भी डाउट है। ठीक है ना, तो देखो क्या कहा जरा समझो, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ठीक है, डिप्रिसिएशन मतलब बताया था हमने, और नहीं बताया तो सुन लो, इसका मतलब था मूल्य ह्रास। ठीक है, मतलब जैसे यह प्रोजेक्टर खरीदा हमने, तो खरीदा मान लो हमने 5,00,000 में, तो आप बताओ साल भर के बाद इसका रेट इतना ही रहेगा क्या? नहीं, घटेगा। तो यही देखो, मशीनरी पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है कितने रुपए का? 8,050 का, नहीं 850 का। ठीक है, तो मशीनरी कितने में खरीदा इससे मतलब नहीं है, बस इतना समझो कि डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो मेरे व्यापार के लिए एक प्रकार का क्या है, ये एक रूल है
खर्च हो गया, हमारे व्यापार में लॉस हो गया, और इसीलिए क्या हो रहा है, इसको डेबिट करेंगे। किस रूल से? नॉमिनल के रूल से। बोलो आप बताओ किस पे चार्ज हो रहा है? मशीनरी पे। तो आप बताओ खरीदे थे तो बढ़ा था ना जी, अब आप बताओ उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो मशीनरी घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। मान लो कितने का खरीदा था हमने? 1,00,000 रुपए का। आप बताओ कितना कम हो गया? तो बताओ वैल्यू घटा ना। तो जब एसेट घटता है तो उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। मतलब रूल लगाना है तो लगा सकते हो, दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छा है। एसेट जब इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, और एसेट जब डिक्रीज हो तो उसको क्रेडिट करते हैं। या तो रूल पता कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रूल लगाने लगोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, खरीद रहे हैं क्या इसको? नहीं। फिर भी हमारे व्यापार से उतना वैल्यू जा रहा है ना, कितने का? 850 का। क्योंकि पहले उसका दाम कितना था? 1,00,000। लेकिन साल भर के बाद कितना हो गया? 850। या 2 महीने के बाद कितना हो गया? 850। तो हर साल 10% वो डिप्रिसिएशन चार्ज करता है, कुछ अमाउंट डेली नहीं करता, ठीक है। साल भर में 1 बार, 6 महीने में 1 बार, ठीक है। ये नहीं डेली हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज लगाते हैं। इसीलिए डिप्रिसिएशन चार्ज हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का वो क्या है, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं कितने का हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या कर दिया वहां पे, ठीक है, उसको डेबिट कर दिया, और मशीनरी घट रहा है इसलिए क्रेडिट कर देंगे। क्यों केयर करेंगे? क्योंकि 1,00,000 रुपए का मशीनरी दिख रहा है, जब घटाएंगे तभी तो पता चलेगा अच्छा अब 1,00,000 से घट के इतना रुपया आ गया है। क्योंकि नहीं घटाएंगे ना तो 10 साल के बाद भी देखेंगे 1,00,000 रुपए का फर्नीचर पर पड़ा हुआ है, 1,00,000 का मशीनरी पड़ा हुआ है। अब पता चला बेचे तो 10 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत होगा, हार्ट अटैक कई लोग को आ जाएगा। 1,00,000 का था पहले, 850 रुपए का है। इसीलिए हर साल घटाते रहते हैं कि संपत्ति है, मतलब प्रोजेक्टर आज 50,000 का है तो अगले साल कितने का होगा। हम किसी को बेच नहीं रहे हैं, फिर भी वैल्यू घटा रहे हैं, जिससे आगे चल के एसेट्स रियल में पता चल सके कि कितने का मेरे पास है। नहीं तो आगे चल के एक बार में जब बेचेंगे तो उसका 50 का खरीदा था, जब 10,000 में बेचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे हर साल दिखाएंगे तो हम समझ लेंगे हाँ मेरा एसेट्स इतना ही क्या था, इसीलिए इतना बेच रहे हैं, इतना साल पुराना था इसलिए लगाते हैं। इसको सब पढ़ेंगे हम लोग, इसको सॉफ्टवेयर में एक एक करके एंट्री करके चेक करेंगे, देखेंगे। लेकिन यह जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर में भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बना के रखे गए हैं, आप लोग नोट्स पलटना देखना, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो अगला हम लोग का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस, लेकिन अभी ये पढ़ने वाले नहीं हम लोग, 1-2 दिन और हम लोग जनरल एंट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए और बनाइए जल्दी से। लिखो, बोल रहा हूं। एज ऑन एज ऑन 1st अप्रैल 1st अप्रैल परचेज